तो देखिए, महायुद्ध में केमिकल अटैक की आशंका गहराई जा रही है। जी हाँ, अमेरिका के रूस को अब धमकी भी सामने आ चुकी है। धमकी है केमिकल अटैक करने की। अगर केमिकल अटैक का इस्तेमाल किया गया, केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। पुतिन के हाथ में केमिकल वेपन, अब जेलेंस्की का बचना नामुमकिन। बाइडेन की उड़ी नींद, टेंशन में अमेरिका। यूक्रेन की लड़ाई अब केमिकल वेपन पर आती जा रही है। यूक्रेन को डर सता रहा है कि रूस चोरी छुपे कीप पर केमिकल वेपन से हमला कर सकता है। इस खबर के बाद अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं खुफिया रिपोर्टों की बात नहीं कर रहा, लेकिन रूस ने अगर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को डर सता रहा है कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन अब कॉन्ट्रैक्ट किलर के हाथों में केमिकल वेपन थमा सकते हैं। पहले ही ऐसी खबरें आई हैं कि जेलेंस्की को मारने के लिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी को कीव के आसपास तैनात कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन और रूस लगातार ऐसे खतरनाक केमिकल वेपन बना रहे हैं जो विश्व के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन दोनों ही देश पश्चिमी देशों के खिलाफ केमिकल वेपन का प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी साजिशों पर पर्दा डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। गौरतलब है कि पहले ही पुतिन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन केमिकल वेपन बना रहा है। इसी वजह से रूस यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों और मेडिकल संस्थानों को निशाना बना रहा है। रूस ने मारियोपोल के अस्पताल में भीषण बम हमला किया जिसमें कई बच्चों समेत 17 लोग मारे गए। पूरा अस्पताल खंडहर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।